दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने कुछ इस तरीके की ड्रेस पहनी, देख लीजिए आप। और अभी हम सब मार्केट जाएंगे, देन उसके बाद हम लंच करेंगे। उसके आगे की बातें मैं आपको वहीं चल के बताती हूँ। जय माता दी। चलो आगे की ओर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस मार्केट में ना हर तरीके की चीज़ें मिल जाएगी। आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपको कपड़े लेने हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल भी हैं, यहाँ पर शॉपिंग के लिए इतनी अच्छी अच्छी शॉप हैं, छोटे छोटे स्टॉल भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हर चीज़ बजट में है। मेन सबसे जो प्रॉब्लम है यहाँ पर ये है कि यहाँ रश बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, भैया अभी हमें यहाँ पर अखरोट के रेट बता रहे हैं। मार्केट से अभी हम जा रहे हैं अपने रूम पर, उसके बाद जाकर देखेंगे हमने क्या क्या ख़रीदारी करी है, क्या क्या नहीं। देखते हैं, रूम पर पहुँच कर आपसे बातें करते हैं। दोस्तों, अभी हम रात का खाना खाने के लिए अपने रूम से बाहर आए थे, तो थोड़ा सोचा कि चलो मार्केट में घूम लिया जाए और रात को नाइट व्यू भी दिखा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, रात के टाइम मार्केट कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और हम अभी सोचा कि चलो घूम रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए कि मार्केट रात के टाइम कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ पर कितनी भीड़ है। यहाँ पर हर टाइप की शॉप है, मतलब कि हर शॉप पर कुछ ना कुछ बंदे खड़े ही मिलेंगे आपको, और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि रात के टाइम हर यात्री मार्केट में घूमने के लिए ही आया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी अच्छी सेल लगी है, 10 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, आप कुछ भी लीजिए। चलो दोस्तों, मार्केट तो अब हमने घूम ली, अब कुछ खाया जाए, पेट पूजा की जाए। अभी तो हम थक गए हैं मार्केट में घूमकर, अब कुछ खाने के लिए देखते हैं कि आज खाने में क्या खाएं। चलो तो दोस्तों, अब हम अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलो दोस्तों, अब खाने के बाद कुछ मीठा खाया जाए। तो दोस्तों, रात को तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, मेरा फ़ोन बंद हो गया था। अब न्यू दिन की स्टार्टिंग हुई है, तो देखिए आपको नज़ारा दिखाती हूँ मैं माता के भवन का। सामने माता का भवन है और नीचे तक बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। यहाँ पर इतना प्यारा व्यू है, बहुत उससे ज़्यादा आँख खुलते माता रानी के दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हमारा चेकआउट टाइम है, हम यहाँ से चेकआउट करते हैं, चलते हैं अपने रेलवे स्टेशन की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम वापस जा रहे हैं अब, और हम कटरे के स्टेशन पहुंच चुके हैं। देखिए अब यहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है इस टाइम। हमारी ट्रेन 2 बजे की है और हमारा चेकआउट हो चुका है। अब सीधा चलते हैं स्टेशन में और आपसे वहीं चल के बात करते हैं। जय माता दी।
है माता दी। बाय बाय कटरा। हाँ जी दोस्तों, तो हमने देखो स्टेशन में एंट्री ले ली है और हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन की ओर, और हमारी वापसी यहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद आगे चल के आपसे बातें करते हैं, क्या होगा देखते हैं। जय माता दी। जी दोस्तों, तो हम अपने ट्रेन के पास पहुंच चुके हैं और हमने सारा सामान अपना पीछे ट्रेन में रख दिया है। जम्मू मेल से हम वापस जाएंगे। हमारी यात्रा शुभ हो, सब शुभकामनाएं दीजिए हमें। अब हंसते खेलते अपने घर पे पहुंचे अच्छे से, राजी खुशी। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन को चलने में कम से कम 2 घंटे हैं और अभी मैंने सोचा कि इतनी देर में क्या करूँगी, तो व्लॉग ही बना लिया जाए। बाकी हमारी यात्रा तो बहुत अच्छी हुई, बस क्या करें थोड़ा थक गए, पैरों में पेन हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब घर जाके अपने अच्छे से फ्रेश होके मालिश वगैरह कराएंगे पैर की, जिससे पैर का दर्द चला जाए। अभी तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, टाइम जल्दी से कट ही नहीं रहा है, क्या करें, बस जल्दी से टाइम कटे और घर जाए। अब तो कुछ घर जाने की जल्दी है, एक एक मिनट इतनी भारी लगी है यहाँ पर हद से ज़्यादा। हमारी ट्रेन चलने वाली है, उसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे यहाँ से। आई एम सो एक्साइटेड। बात पे एक बार जोर से बोलिए जय माता दी। तो जय माता दी, हमारी ट्रेन चल चुकी है। अब आप देखिए, सब शुरुआत हो चुकी है ट्रेन चलने की।
देखिए दोस्तों, अभी जम्मू मेल एक स्टेशन पे रुकी है और इसके बाद यहाँ से आगे चलेगी। अभी यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक हुआ है, यहाँ पर थोड़ी सी सवारी उतरी है और उसके बाद देखिए आगे की ओर जैसे हमारी गाड़ी रुकेगी और पैसेंजर ऊपर चढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा व्यू है, मतलब कि इवनिंग हो चुकी है और सनसेट हो रहा है अब। तो फाइनली दोस्तों एक स्टेशन और आ चुका है, यहाँ पर गाड़ी थोड़े से लंबा टाइम का ब्रेक लेगी, देन उसके बाद आगे चलेगी। अब हम आपसे दिल्ली पहुँच कर बातें करते हैं, इस टाइम हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए और दिल्ली पहुँच कर बातें करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब हम बस घर से थोड़ी दूर हैं और यहाँ हम रेलवे स्टेशन क्रॉस करके अपने घर की ओर जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे व्लॉग पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे कमेंट करें आपको किस टाइप के व्लॉग चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को उस टाइप के व्लॉग दे सकूँ। जय माता दी। दोस्तों सुबह के 5 बज रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पर कितना कोहरा हो रहा है। सुबह के 5 बजे भी गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑटो वगैरह वाले आराम से इजली मिल जाएंगी। सुबह के 5 बजे यहाँ रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना कोहरा हो रहा है हद से ज़्यादा।